नमस्कार मेरे प्यारे साथी, हम लोग आ चुके हैं टाटा नेक्सॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर हम लोग जानेंगे टाटा नेक्सॉन के कार प्राइस के बारे में। हम लोग जानेंगे यहाँ पर इसके ऑन रोड टॉप मॉडल बेस मॉडल के प्राइस के बारे में, और एक शोरूम प्राइस भी जानेंगे साथ में कि क्या बनती है न्यू दिल्ली में इसके टॉप मॉडल बेस मॉडल के एक शोरूम प्राइस। और साथ ही जानेंगे अपनी ऑफिशियल ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर जाके कि अगर आप इस कार को अगर लोन के साथ लेना चाह रहे तो आप अगर कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी और कितना आपका लोन अमाउंट बनेगा, और तब जानेंगे उस लोन ईएमआई की मंथली में अपनी ऑफिशियल साइट पर जाकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें टाटा नेक्सॉन के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे टाटा नेक्सॉन का बेस मॉडल, जिसकी एक शोरूम प्राइस आप लोग देख सकते हैं न्यू दिल्ली में पड़ रही है 9,99,900 रुपये। और अगर इसके आरटीओ चार्ज की बात करें न्यू दिल्ली के, तो इसका आरटीओ चार्ज न्यू दिल्ली में 92,341 रुपये। हर सिटी का आरटीओ चार्ज अलग होता है दोस्तों, आप अपनी सिटी का एक बार आरटीओ चार्ज कन्फर्म कर लीजिएगा। अगर इसके इंश्योरेंस प्राइस की बात करें तो वो पड़ रहा है आपको 40,565 रुपये। दोस्तों आपको एक यहाँ पर ज़रूरी बात बता दें कि जो आप किसी कार के प्राइस पे अलग अलग सिटी में अलग अलग प्राइस बनते हैं, वो सिर्फ आरटीओ चार्ज और इंश्योरेंस प्राइस की वजह से बनते हैं। तो आप अपनी सिटी का आरटीओ चार्ज और एक बार इंश्योरेंस प्राइस चेक कर लीजिएगा कि आपकी सिटी पर इंश्योरेंस प्राइस क्या है। और हम लोग बात करें कि इसमें जो अदर्स के एक्स्ट्रा प्राइस हैं वो क्या है, वो आपको यहाँ पे 500 रुपये प्राइस पड़ रहा है। अगर हम लोग इसमें कुछ ऑप्शनल अगर प्राइस को ऐड कर दें तो वो जो ऑप्शनल प्राइस है 49,470 रुपये, वो जुड़कर हमारी ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली में बनती है, वो बनती 11,82,776 रुपये इसके बेस मॉडल की ऑन रोड प्राइस बनती है न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें टाटा नेक्सॉन की टॉप मॉडल के बारे में, जिसका नाम है XZA+, उसकी एक शोरूम प्राइस आपको न्यू दिल्ली में पड़ेगी 14,17,900 रुपये इसके टॉप मॉडल की एक शोरूम प्राइस है यहाँ पे। और आरटीओ चार्ज न्यू दिल्ली का 1,82,088 रुपये। और अगर इंश्योरेंस प्राइस की बात करें इसके न्यू दिल्ली की, तो वो आपको इसके टॉप मॉडल पड़ रहा है 51,349 रुपये। और अदर्स का प्राइस आपको देखने को मिलता है यहाँ पे 14,669 रुपये। और इसका ऑप्शनल प्राइस अगर आप ऐड कराते हैं तो तब जाके आपका जो ऑन रोड प्राइस बनता है वो बनता है इसके ऑप्शनल प्राइस के साथ 51,970, जो इसका ऑप्शनल प्राइस है उसके साथ बनता है 17,17,986 रुपये दोस्तों इसके टॉप मॉडल का ऑन रोड प्राइस बनता है न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं टाटा नेक्सॉन के अब उस प्राइस सेक्शन पर, जहाँ पर हम लोग जानेंगे आप इसके बेस मॉडल XC पर कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बेस मॉडल पे आपको जो डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी वो 86,000 रुपये की मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद 86,000 की जो डाउन पेमेंट कर देंगे आप, तब जो आपका लोन अमाउंट निकल के आएगा वो लोन अमाउंट निकल के आएगा 7,77,774 रुपये दोस्तों। दोस्तों हम लोग सबसे पहले इसके टॉप मॉडल का भी लोन अमाउंट चेक कर लेते हैं, और तब जाके जानेंगे अपनी ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर कि इसका जो 7,77,774 रुपये इसकी अगले 7 सालों के लिए ईएमआई क्या बनेगी। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे इसके टॉप मॉडल के सेक्शन को चूज़ कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि इसके टॉप मॉडल पे आपको जो मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी वो आपको 1,67,000 रुपये की मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। तब जाके जो आपका लोन अमाउंट निकल के आएगा इसके टॉप मॉडल के लिए वो निकल के आएगा 14,99,016 रुपये इसके टॉप मॉडल का लोन अमाउंट निकल के आएगा। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर, जहाँ पर हम लोग जाकर जानेंगे इसके बेस मॉडल की ईएमआई कैलकुलेट करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपनी ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर। जी दोस्तों हमारी ऑफिशियल ईएमआई कैलकुलेटर लिंक है, ये हम लोगों ने इसलिए बनाई है ताकि हम और आप अपने होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की ईएमआई बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पे हमें अभी कार लोन की ईएमआई कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग यहाँ पे कार लोन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आता है कार लोन अमाउंट एंटर करने का। तो आप अपने यहाँ पे जो कार लोन अमाउंट बनेगा, आप जो कार लेने जा रहे हैं टॉप मॉडल या बेस मॉडल, उसका लोन अमाउंट यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। दोस्तों मैं इस लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो हमारी टॉप बेस मॉडल का कार लोन अमाउंट निकल के आया था 7,77,774 रुपये, हम लोग ने यहाँ पे एंटर कर दिया है। इसके बाद अगर आप नीचे और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन आएगा। दोस्तों हर बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। अगर आप एक अप्रॉक्स बैंक का जो इंटरेस्ट रेट लेके चलें तो वो 8% के नियर अबाउट होता है। आप जिस बैंक से अपने कार लोन ले रहे हैं आप वहाँ का इंटरेस्ट रेट एक बार चेक कर लीजिएगा वो क्या है, वही इंटरेस्ट रेट आप यहाँ पे एंटर करिएगा। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे 8% इंटरेस्ट रेट लेके चलते हैं, क्योंकि जो सभी बैंकों का इंटरेस्ट रेट होता है वो नियर अबाउट 8% होता है। इसके बाद जो अगर नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास लोन टेनर का ऑप्शन है, मतलब आप कितने साल के लिए अपना लोन लेने चाह रहे हैं। तो हम लोग अगले 7 सालों के लिए कर देते हैं। तो अगले 7 सालों में जो हमारी इस कार के बेस मॉडल पर ईएमआई निकल के आती है वो निकल के आती है 12,123 रुपये पर मंथ की ईएमआई निकल के आ रही है। और अगर हम लोग बात करें आपको इसमें इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, तो वो आपके स्क्रीन के सामने 2,40,520 रुपये। और अगर इसके टोटल पेमेंट की बात करें तो आपके लिए बनेगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला के वो बनेगा 10,18,294 रुपये दोस्तों इसके
टॉप मॉडल का जो लोन अमाउंट, सॉरी दोस्तों, इसके टॉप बेस मॉडल का लोन अमाउंट निकल के आया था उसकी दोस्तों ये टोटल पेमेंट बनेगी आपकी लोन अमाउंट की। अगर आपने जो स्टार्टिंग में आपने जो डाउन पेमेंट की थी वो इसमें ऐड करके आपकी कार की बेस मॉडल की टोटल पेमेंट यहाँ पे निकल के आ जाएगी। इसमें अगले 7 साल में आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो 23.6% पे करना पड़ रहा है। अगर प्रिंसिपल लोन अमाउंट की बात करें जो आपका बन रहा है वो बन रहा है 76.4%, मतलब आपका टोटल पेमेंट 76.4% आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा और 23.6% आपका लोन इंटरेस्ट होगा। दोस्तों अब हम लोग ने बात कर ली यहाँ पे कार प्राइस के बारे में, हम लोग ने अपनी ईएमआई कैलकुलेट करके पता कर ली। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी बैंक से लोन लेने जा रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट की कौन कौन सी ज़रूरत पड़ेगी, और आप अगर डॉक्यूमेंट आपके पास है अगर आपके पास स्मार्ट एलिजिबिलिटी बनती तो वो क्या बनेगी आपके लिए। दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग उस ओर। इससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे इस वीडियो पर बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने बात कर ली यहाँ पे अपने कार अमाउंट, ऑन रोड प्राइस, डाउन पेमेंट के बारे में, कार लोन अमाउंट के बारे में। अब तो हम लोग बात करने वाले हैं अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो उसके परसेंटेज क्या होंगे, इंटरेस्ट रेट क्या होंगे और प्रोसेसिंग फीस एक्सेट्रा और भी चीज़ें क्या होगी तो जानते हैं हम लोग इस। अब दोस्तों जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो कार लोन हमारा है वो है 8.5%, जिसमें आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी 1500 रुपये, और कैनरा बैंक का जो कार लोन परसेंटेज बनेगा वो बनेगा 8.9%, जिसमें आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट। इसके बाद जो हमारी बैंक आती है एक्सिस बैंक कार लोन आती है, उसका जो अमाउंट परसेंटेज है इंटरेस्ट रेट वो 8.25%, इसमें मिनिमम जो प्रोसेसिंग फीस है वो 3500 रुपये और मैक्सिमम प्रोसेसिंग फीस 7000 रुपीज़ है। और फेडरल बैंक का जो एक कार लोन अमाउंट आता है वो 10.4% आता है, और ये दोस्तों इसका जो प्रोसेसिंग फीस पड़ता चलेगी वो बैंक से ही पता चलेगी। और सबसे मेन बैंक जो हमारी है SBI कार लोन अमाउंट, इसका इंटरेस्ट अमाउंट है इस बार प्रेजेंट टाइम 8.2%, और इसकी जो प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी वो न्यू कार नील है दोस्तों, मतलब आपको कोई प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे नहीं देनी पड़ रही है। दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं कार लोन की कुछ और डिटेल्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो SBI का यहाँ पे जो ट्रस्टेड बैंक है वो 8.25% लेके चलते हैं, और हमारी जो प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी वो हर बैंक की अलग अलग प्रोसेसिंग फीस होती है, तो यहाँ पे डिपेंड ऑन द बैंक यहाँ पे। और लोन टेनर जो होता है दोस्तों, वो दोस्तों लोन टेनर मतलब आप कितने समय के लिए किसी बैंक से लोन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप मिनिमम जो लोन लेना चाह रहे हैं वो मिनिमम 1 साल के लिए और मैक्सिमम आपको 8 साल के लिए लोन मिलेगा। और पी क्रोजर चार्ज जो आपको जो देनी पड़ेगी वेर इज द बैंक, वो दोस्तों बैंक पर ही निर्भर करता है कि जो पी क्रोजर चार्ज पड़ेगा आपको यहाँ पे कितना पड़ेगा। और गारंटी रिक्वायरमेंट मतलब आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो हर बैंक पे अलग अलग होती है, तो आप यहाँ से बैंक से कनेक्ट करके आप पता कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कुछ बैंक की फीचर्स के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों जो लोन लग्जरी कार्स का HDFC बैंक का लग्जरी कार का जो लोन है उसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा वो 8.5% देना पड़ेगा, और लोन टेनर अगले 84 महीनों के लिए बन सकता है आपका, और मैक्सिमम कार लोन जो आपको यहाँ से मिलेगा वो 3 करोड़ का मैक्सिमम कार लोन मिलेगा, और आपको यहाँ पे 100% फाइनेंसिंग ऑन रोड प्राइस की सुविधा मिल जाती है HDFC बैंक से। और इसके बाद जो हमारी बैंक आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये प्रोफेशनल एंड इनकम प्रूफ के साथ एक ये बैंक एग्रीकल्चर लोन देती है, इसमें आपको इंटरेस्ट रेट पड़ेगा 8.2% और लोन टेनर बनेगा इसका 84 महीनों के लिए, और इसका जो मतलब आपको लोन मिलेगा वो 90% मिलेगा ऑन रोड प्राइस का दोस्तों, और लोन प्रोवाइड फॉर प्रोफेशनल एंड एग्रीकल्चरिस्ट। दोस्तों ये आपको प्रोफेशनल और एग्रीकल्चर लोगों को यहाँ से लोन मिलेगा, और छोटे मोटे जो लोन होते हैं दोस्तों एक्सिस बैंक से आप ले सकते हैं, जिसके आपको इंटरेस्ट पे बनेगा वो 8.25% और लोन टेनर के लिए 96 महीनों के लिए हो सकता है, और इस पे आपको टोटल 100% ऑन रोड प्राइस का आपको यहाँ पे लोन और मिल जाएगा, और यहाँ पे आप 1 लाख तक का मिनिमम लोन ले सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद जो हमारी फेडरल बैंक आती है दोस्तों, इसमें आपको जो इंटरेस्ट बनेगा वो 10.4% बनेगा, और लोन टेनर है इसमें अगले 84 महीनों के लिए, और इनकम और डॉक्यूमेंट नीड टू बी प्रोवाइडेड, मतलब आपको कोई भी इनकम और डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद जो हमारी बैंक आती है वो आती है कैनरा बैंक,
कैनरा बैंक में आपको जो टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मतलब जो आपका कॉल में इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 8.9% और टोन टेनर अगले 84 महीनों के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपको लोन मिलेगा वो 90% मिलेगा आपके ऑन रोड प्राइस का दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग ने यहाँ पे जानी कुछ बहुत सी छोटी मोटी जानकारी, अब हम लोग जानने वाले हैं जो हमारी डॉक्यूमेंट की एलिजिबिलिटी होगी वो क्या होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहली जो हमारी डॉक्यूमेंट की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपको 18 साल से 75 साल तक के लोगों को ही यहाँ से कार लोन मिलेगा दोस्तों किसी बैंक से। मतलब मिनिमम आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 75 साल होनी चाहिए। और आपकी जो मिनिमम मंथली इनकम होगी वो 20,000 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और आपका जो एम्प्लॉयमेंट होएगा दोस्तों वो एक साल, मतलब आप किसी बैंक में जब काम कर रहे हैं कहीं पर भी मतलब काम कर रहे हैं तो आपको एक साल का अपने प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप एक साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इसके बाद जो हमारे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए आपको आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई डी कार्ड या पैन कार्ड दोस्तों। इनमें से एनी वन, यानी दोस्तों मतलब आपको कोई एक ही देना पड़ेगा दोस्तों। और इसके बाद जो आता है एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में आप देख सकते हैं अपना आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, यूटिलिटी बिल, मतलब आप बिजली बिल भी देख सकते हैं दोस्तों। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से एक आपको एड्रेस प्रूफ के लिए देना पड़ेगा। और इनकम प्रूफ के लिए दोस्तों आपको 16 महीनों की रसीद देनी पड़ेगी और सैलरी स्लिप्स देनी पड़ेगी और टैक्स रिटर्न्स देना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट्स गोइंग बैक 6 मंथ दोस्तों, मतलब आप 6 महीनों से आपको जो बैंक के साथ पैसों में लेन देन रहा है वो कैसा रहा है, तभी बैंक आपको कार लोन प्रोवाइड करेगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत ही पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो हमारे इस YouTube चैनल ओनली मोटरसाइकिल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको और भी ऐसी बहुत सारी वीडियो मिलती रहें। चलिए मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में।